यूपी सिटी न्यूज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो हेलो जिंदगी। जिस तरीके से हम कहते हैं हर बार हेलो जिंदगी, तो हम हमेशा याद रखते हैं, और इसीलिए आपको ऐसे ऐसे मेहमानों से हम मिलवाते हैं, ऐसी हस्तियों से हम मिलवाते हैं जो आपको ये सिखा देते हैं कि जिंदगी को हेलो कहते रहना है और असल मायने में अपनी जिंदगी को कैसे जीना है। आज भी हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, खास इसलिए क्योंकि कड़ी मेहनत करते हैं वो आपके लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए, आपको गुदगुदाने के लिए, आपको हंसाने के लिए, आपको रुलाने के लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं और आपका प्यार पाते हैं। इसी वजह से आज उन्हीं खास मेहमानों से हम आपको मिलवाने वाले हैं और जानेंगे उनके बारे में थोड़ा सा वो चीजें जो आपके जहन में अक्सर उनको लेकर सवाल उठते हैं। तो आइए बिना वक्त जाया किए हम स्वागत करते हैं अपने आज के दोनों खास मेहमानों का। स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं काजल वशिष्ठ जी और हमारे साथ हैं वीआईपी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अब मैं आप दोनों के बारे में क्या कहूँ, आप दोनों की एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी है, आप दोनों ही एक्टर हैं और आप दोनों ही अपने अपने प्रोफेशन में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स आज बहुत खुश हो रहे होंगे कि दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर हम लेकर आए हैं साथ में। तो बहुत बहुत शुक्रिया उनके बिहाफ पर कि आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकाला। तो दर्शकों को मैं बता दूं कि अभी जिस तरीके से नया साल दस्तक देने वाला है और 31 दिसंबर को एक खास कार्यक्रम होने वाला है आगरा में, जिसके लिए आप दोनों आगरा प्रस्थान करने वाले हैं। तो आप दोनों आगरा में क्या करने वाले हैं, उस कार्यक्रम में क्या कुछ होने वाला है, आपसे हम वो जानना चाहेंगे। काजल जी पहले आपसे। अच्छा पहले मुझसे, ओके। लेडीज फर्स्ट। थैंक यू। हमारी कोशिश ये है कि करीब डेढ़ दो साल के बाद में एंटरटेनमेंट सेक्शन खुला है। बाकी सारी इंडस्ट्रीज काम कर रही थी लेकिन एंटरटेनमेंट सेक्शन अब रिसेंटली थोड़ा थोड़ा पिकअप हुआ है। तो हमारी कोशिश है कि दो साल से जो बाकी था, दो साल से जो हमारे अंदर की कला और आपके अंदर का मनोरंजन जो बाकी था, उसके बीच का जो गैप है उसे भरने की कोशिश करेंगे। लोगों का 2021 इतना अमेजिंग हो हमारे साथ, वो अपने सारी परेशानियां सारे गम भूल जाएं और आने वाला 2022 उन सब के लिए, हम सब के लिए बहुत अमेजिंग हो, बहुत प्यार भरा हो, बहुत सारी खुशियां लेके आए। ऐसी इच्छा और ऐसी सोच के साथ हम सेलिब्रेशन करना चाहते हैं 31 दिसंबर को आगरा में आप सबके साथ। तो मेरी तरफ से एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस है, वी आर गोना परफॉर्म सम रियली गुड म्यूजिक कि इनसे लोग नाचें और अपनी बस मस्त मौला की जिंदगी जिए। दैट्स फ्रॉम आवर साइड। वीआईपी सर जी, बिल्कुल सर। हाँ, जैसे आप लोगों ने देखा काजल जी के चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट थी, मुस्कान थी, समझ गए होंगे कि कलाकार कितने उत्सुक है हम लोग वहां पर आने के लिए। हम अपना पूरा 100% देंगे और हमारे शो के माध्यम से हम एक मैसेज भी देंगे कि सोशल डिस्टेंस कैसे होना चाहिए, सब चीजें। देखिए कॉमेडी के साथ में हमको अपना एक कुछ चीजें देनी है जो पब्लिक के पास कॉमेडी के जरिए है। क्योंकि कॉमेडी की चीज होती है जो जहन कर जाती है कि यार उसने हंसी हंसी में एक बात बोल दी, तो जितने उत्सुक आप उससे डबल हम लोग। और सच मानिए जैसे काजल जी ने कहा कि हम लोग पिछले 1.5-2 साल से सारे कलाकार घर पर थे, मतलब एक कहते ना कि पड़े पड़े थे कि अब क्या करना है और बहुत बहुत कुछ नई चीजें लेकर आएंगे। और हमें नहीं, जो ऑडियंस जो इस वक्त हमें देख रहे आपके चैनल के माध्यम से, ये ऑडियंस भी इस वक्त चाहती है कि कुछ एंटरटेनमेंट हो, कुछ आए। और बिल्कुल दोनों तरफ आग बिल्कुल सही लगी है क्योंकि हम भी भूखे हैं और कला ऑडियंस भी भूखी है, तो काम धमाल होगा, मस्ती होगी। और ये जो साल इस वक्त जो नया साल आने वाला है, मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि हम लोग सारे उस पर बहुत अच्छे खड़े उतरे और सारे पालन करें जो जो प्रोटोकॉल आता है उसे पालन करें, क्योंकि हमें इसे हराना है और साथ में तो भाई जी वो तो है क्योंकि आप है, तो आपके लिए तो मैं कह सकती हूँ कि कोई शक नहीं कि आप इस तरीके की पर्सनालिटी है कि अगर दुश्मनों के सामने खड़ा कर दिया जाए तो आप उनको हंसा हंसा के हरा देंगे। तो पब्लिक को याद रहना, दुश्मनों से याद रहना। आपने जब ऐसे बात निकाली तो मेरे एक एक्ट है जो मैं फौजी के
अगर वाकई में आप मुझे बॉर्डर को छोड़ दो आप मुझे, तो मैं दुश्मन से ऐसे लड़ूंगा ना, खून बहेगा ना, गोली चलेगी, मैं हिंदुस्तान के जितने भी आतंकवादी है, जितने भी दुश्मन है, सबको भगा दूंगा मैं अपने गले के साथ। क्योंकि ये मेरा स्पेशल आइटम है और इस आइटम से मैं मेरा एक्ट वाइंड डाउन करता हुआ है, एंड करता हूँ। और माहौल जब होता है तो कई बार अक्सर मुझे इसमें स्टैंडिंग विश मिलती है, ये कुछ इतना डीपली होता है, ये मतलब लोगों को दिल को छू जाता है, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी देश के लिए हमेशा सर्व पहले खड़े रहता है और बहुत टच हो जाती है बातें। तो ये स्पेशल आइटम, आगरा वासी आ रहे हम लोग तमाम मस्ती करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारी ताज नगरी है, ताज नगरी बहुत खिलखिला उठेगी, जगमगा उठेगी जब आप दोनों यहाँ पर आएंगे और अपनी परफॉर्मेंसेस से उनको एंटरटेन करेंगे। और पब्लिक आपको लंबे अरसे से आप लोगों को सराहा रही है, आपके काम को सराहा रही है। तो पब्लिक, जो हमारी ऑडियंस है, अक्सर जब सेलिब्रिटीज से मुलाकात होती है तो वो अक्सर यही जानना चाहते हैं कि किस तरीके की उनकी लाइफ होती है, क्या कुछ उनके फ्यूचर प्लान्स हैं, वो सब वो जानना चाहते हैं। तो आज क्योंकि मौका मिला है हमें आप दोनों से बात करने का, तो क्यों ना अपने ऑडियंस के लिए वो जो सवाल है उनके जवाब हम आपसे जान लें। तो पहले काजल जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपका करियर है, पहले एक्ट्रेस की अगर हम बात करें, एक्टिंग, मॉडलिंग, तो इसमें जब आपकी एंट्री हुई तो किस तरीके से आपकी एंट्री हुई, क्या कुछ था जो दिमाग में आया कि इस प्रोफेशन में जाना चाहिए? मैं पहले बैंकर थी, लेट मी टेल यू, आई यूज्ड टू वर्क फॉर सिटी बैंक एज अ सर्विस रिलेशनशिप मैनेजर। मैं वहां पे यही करती थी सिंगिंग, मैं हमारी कंपनी हर फेस्टिवल में मैं जीत के आती थी, तो दे यूज्ड टू ऑलवेज एनकरेज मी कि मेरा नाम था हीरोइन ऑफ सिटी सर्विस, तो दे यूज्ड टू ऑलवेज एनकरेज मी कि यू शुड गो एंड ट्राई, बट इट टेक्स लॉट ऑफ करेज टू लीव दैट सिक्योर लाइफ ऑफ कॉर्पोरेट जॉब and to try something here, to venture out in the real world, and मैं किसी को नहीं जानती थी, हर एक basic struggler की तरह मेरी भी कहानी उनसे कुछ विशेष अलग नहीं है। I just started going for auditions, मैं लोगों से मिली और auditions दिए और बस एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह पहुंची। and एक लेखक है आलोक जी का, आलोक उपाध्याय, उन्होंने संजय लीला बंसाली जी के ऑफिस में मुझे एक ऑडिशन के लिए भेजा और उस टाइम पे रावड़ी राठौर की कास्टिंग हो रही थी, एंड दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट फिल्म। उसमें एक कॉप का रोल है जिसके लिए मुझे बुलाया गया था, पर उन्होंने कहा यार ये तो बहुत बच्ची सी है, प्यारी सी है, इसको मतलब ऐसा कॉप का यूनिफॉर्म पहना देंगे तो ये नो मैच नहीं करेगी। दे क्रिएटेड ए रोल फॉर मी इन द फिल्म, दे गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद देम, आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरी पहली फिल्म अक्षय कुमार जी के साथ थी, प्रभु देवा सर के साथ थी, एंड इट वॉज इन ए बिग बैनर संजय लीला बंसाली। सो पहला लॉन्च या पहली जो सीखने का मौका और जो बड़ा फिल्म का सेटअप होता है वो बहुत अलग होता है, वहां पे काम करना बहुत, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी लाइक दैट। और 11 साल हो गए उस फिल्म को, आज भी संडे को लोग राउडी राठौर देखते हैं अगर टीवी पे आ रही है, तो दैट इज द फिल्म जो घर घर में आज भी देखी जाती है, पीपल स्टिल वॉच इट, एंड इतने सालों के बाद में भी लोग मुझे पहचानते हैं कि अरे आप वो बस स्टॉप वाली सीन में थी ना सोनाक्षी के साथ में, चश्मे वाली लड़की आप ही हो ना, एंड इट मेक्स यू फील गुड, इट मेक्स यू फील गुड कि आप आपने एज ए आर्टिस्ट कुछ कुछ छोटा सा उनके दिल में अपनी जगह बनाई है, विच इज ऑल वी वॉन्ट एज आर्टिस्ट, ट्रस्ट मी। आई थिंक वो एक बहुत बड़ी हमारी इच्छा होती है कि हम अपने काम से लोगों के दिलों को छू जाए। ऐसा वैसा सब कमाते ही हैं, सब कमाते हैं, शेफ भी कमाता है, बैंकर भी कमाता है, सब कमाते हैं, पर एज आर्टिस्ट हमारी एक मेजर तमन्ना ये होती है कि हम लोगों के दिलों में अपने लिए थोड़ी सी जगह बना लें, थोड़ी सी, और उनसे प्यार पालें, और बाय गॉड्स ग्रेस मुझे मिला है। और उसके बाद में आई गॉट 3G विथ नील मुकेश, आई गॉट गुलाबी, आई गॉट तेलुगु फिल्म, एंड मैंने थिएटर काफी किया है, बीन ऑन थिएटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। साल का एक प्ले मैंडेटरी करना ही है और प्ले की वजह से ट्रैवलिंग काफी होती है, एंड इन 2016 आई स्टार्टेड सिंगिंग। मैंने कर्नाटक म्यूजिक सीखा है, इट्स ए क्लासिकल साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ सिंगिंग, बट मैंने टफ भी पाना जाता है।
हाँ बहुत बहुत टफ है वो, उसमें आपको इजीली आगे पास नहीं करते. सो 2016 में देयर वाज दिस वन सॉन्ग दैट वाज स्टक इन माय हेड. मतलब मैं जब तक वो गाना बना नहीं दिया ना अपनी आवाज में, तब तक मुझे ना चैन नहीं आया. तो दैट्स हाउ आई रियलाइज्ड कि मे बी दिस इज ऑल समथिंग आई शुड डू. एंड मेरे हिसाब से सब एज आर्टिस्ट हम एक्सप्रेस करते हैं, हम प्यार एक्सप्रेस करते हैं, हम गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं, हम डांस से भी इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, और बाय सिंगिंग हम वाचिक एक्सप्रेस करते हैं जो भी इमोशन होता है वो. सो फॉर मी इट्स ऑल अंडर वन अम्ब्रेला. लोग काफी उसको बाइफोकेट करते हैं, पर मेरे लिए वो सब एक ही सिक्का है जिसके अलग अलग रूप है. So that has been my journey with films, modeling, और हर चीज हर जगह से मुझे इतने अच्छे लोग मिले हैं, इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका कि मुझे किसी न किसी ने कुछ अच्छा सिखाया ही है. लेट दैट बी सुनील ग्रोवर, लेट दैट बी कपिल जी. लाइव शोज मैंने उन लोगों के साथ काफी किए हैं, तो उनसे स्टेज टाइमिंग आप सीखते हैं. मनोज जोशी, उनके साथ में आपने आपका अगर आपने उनका प्ले चाणक्य देखा हो तो he's a fabulous actor, मतलब तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिला है. तो मेरी जो जर्नी है वो मेरे जो जितने भी सीनियर्स हैं उन सब से थोड़ा 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 सीख के फिर ये काजल वशिष्ठ आपके सामने है, और ये सब उनकी सिखाई हुई है, और मेरे जो कॉलीग्स हैं उनसे. तो इट्स नेवर मी 100%, इट्स ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पीपल जिनके साथ मैंने काम किया है और जिनसे मैं मिली हूँ. उन सबका काफी कंट्रीब्यूशन रहता है एक आर्टिस्ट की लाइफ में, क्योंकि हम काफी टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं. तो उस हिसाब से मैं बहुत लकी रही हूँ कि मुझे अच्छे लोगों का साथ मिला है, अच्छे लोगों से सीखने मिला है, और उम्मीद करती हूँ कि भगवान मुझे अच्छी अच्छी ऐसी अपॉर्चुनिटीज और दे कि मैं एज ए आर्टिस्ट और ग्रो करूँ, और हमारे जितने भी सीनियर्स है उनके चरण कमलों के पीछे पीछे हम पहुंचे और चले. दैट हैज बीन माय जर्नी. बिल्कुल बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि आप बुलंदियों को छुए और जो कुछ आपके ख्वाब है वो सब जल्द ही पूरे हों. वीआईपी सर, एक तो कहें कि आपका तो नाम ही है, नाम में ही है वीआईपी, तो आप सच में बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हो जाते हैं. अभी के माहौल में अगर हम देखें कि लोग हंसना भूल चुके हैं, लेकिन आप लोगों को हंसाते हैं, लोगों को वापस जीना सिखाते हैं. कितना मुश्किल होता है लोगों को हंसाना, क्योंकि ऑब्वियसली एक हंसाने मतलब आप एज अ कॉमेडियन आप एक इंसान ही हैं, और आपके अंदर भी कई सारे विचार उमड़ते होंगे, कई सारे इमोशंस से आप चल के बहते होंगे. अब इसी बीच जब लोगों को एंटरटेन करना है, आप उनको गुदगुदा रहे हैं, हंसा रहे हैं, कितना टफ होता है काम? बहुत टफ होता है. बता रहा हूँ पहले बता के जितने भी कॉमेडियंस हैं, मैं मेरी नहीं बात कर रहा हूँ, हर कॉमेडियन के अंदर एक ऐसा टैलेंट होता है जिसके अंदर उनको एक चिंता नहीं होती कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ. वो मुझे कॉमेडी मिल जाए, आप किसी भी बेड पर चले जाओ तो वहां पर भी आपको कॉमेडी सुनते हैं. मतलब हम नहीं कहते, पर वो अंदर से कहता रही है कि कैसे मरा हुआ है ऐसे उठ के बैठ जाए अंदर से क्या लगे. और ट्रेजेडी में भी कॉमेडी ढूंढते हैं. अब जो ट्रेजेडी हुई थी उसको भी मैंने कॉमेडी बनाई है. आप जो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हुआ था हिंदुस्तान में उसको लेके भी कॉमेडी बनाई है. और लॉकडाउन लगा था कि सारे एक्टर लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, बाहर निकल गए, तो वे पुलिस वाले ये आप आग्रह जरूर दिखाऊंगा मैं आपको कि सारे पुलिस वाले जो एक पुलिस वाला पहचानते नहीं, किसी भी एक्टर को नहीं जानता. उसकी लाइफ में कोई शाहरुख खान नहीं, कोई अक्षय कुमार नहीं, वो किसी को नहीं जानता. वो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा है. जब एक एक एक्टर को पकड़ता है वो, तो क्या कॉमेडी निकलती है. निकला तो उसको पकड़ के जेल में डाल गया. अब सब बोले भाई मैं हीरो हूँ, मैं फलाना एक्टर हूँ, लेकिन पहचानते नहीं, किसी को नहीं जानता है वो गाँव से आया हुआ. तो कॉमेडी में भी ट्रेजेडी में भी हम अपना एक मुकाम ढूंढ लेते कि हमें क्या करना है, कब करना है. और काजल जी ने इतनी सारी चीजें बताई है जी फिल्मों के बारे बारे में, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं बताई है, खाना बहुत अच्छा होना. अच्छा जनरली मैंने सुना है
मैंने ये जनरली सुना है कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं किचन में कभी उन्होंने एंट्री नहीं की होती, उनको कुछ खाना बनाना कुछ नहीं आता, पर यहाँ तो मारवाड़ी गर्ल जहाँ पे 6 साल की उम्र में आपको किचन में डाल दिया जाता है, आप पढ़े या ना पढ़े घर के सारे काम आने चाहिए. सो आई हैव कुक फॉर 20 पीपल टुगेदर. ओह माय गॉड. I'm also Marwadi. Okay. मेरी जो फुल फॉर्म है विजय ईश्वरलाल पवार. अच्छा. अलवर से हूँ मैं. अच्छा. मैं जीरो से. अच्छा. मारवाड़ी खाना अपना जी जो भाई को जाड़ी रोटी दाल बाटी रोटा चूरमा खाइए तो सामने लग पामाली लहसुन की चटनी. तो ऐसा तो मुझे मैं खाने पर इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन में हर मर्दों ने काम किया है और आधे से कुक बन के निकले हैं. मास्टर शेफ. मतलब मेरी वाइफ ने मेरे को आधा तो कुक बना ही दिया है. मतलब ऐसा मारवाड़ी खाना. अच्छा. बिल्कुल. और अच्छा देखो ये कभी कभी कुछ चीजें होती है ना आपको ये समझ में आती है आप अपनी फैमिली आपकी फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है समझ में आया कि हमारी जो घर की महिला है कितना काम करती है. वरना हम लोग बाहर होते लॉकडाउन में जो हुआ है मैंने जो देखा है मतलब मेरा ही हर जो जिनको मैं जानता हूँ जिन महिलाओं को मैं जानता हूँ जो मेरी 6 सालिया हो छह मेरी सिस्टर हो उन पर इतना भयंकर बोझ आ गया था. मतलब कई मर्दों को देखा मैंने बस कही पहले सुनो चाय लेकर आना चाय पीते अच्छा खाना लेना ये खाली ऑर्डर देते थे कि किचन के अंदर जो महिलाओं की हालत थी उसको देखकर मेरे को कूदना पड़ा. मैं बोला मैं आ जाऊंगा. अच्छा मेरी वाइफ तो कुछ एक्सपीरियंस है ना उसको पता है कि मेरे से काम कैसे करवाना है. किचन लेके जाती थी मेरे ही काम से ही काम करवाया. मेरे को बोलती थी किचन लेके अच्छा जानू बताओ कि जितने भी एक्टर है ये भी सारे घर पे काम कर रहे होंगे. बोला हाँ काम कर रहे होंगे. शत्रुघ्न सिन्हा बर्तन कैसे मांजते होंगे. बोला ऐसे मांजते होगा. शाहरुख खान कैसे साफ करता हुआ खिड़की तो मैं से, हे, हे, एक कपड़ा हाथ में थमा दिया सारी खिड़कियां साफ करवा दी. हेड करवा दिया और घर का काम भी करवा दिया. आपकी अरे इसलिए तो मारवाड़ी टैलेंटेड होते हैं. सही बात है. बीवी ने कभी मेरे को हुक्म नहीं चलाया कि ये काम करो मेरे काम से शुरू ना हुआ ऐसे करी तो कैसे. तो हर मैं बड़े लाड़ में आके कर लेता मेरे ये काम हो जाता था. पर बहुत अच्छा लगा इस बार आपने परिवार को एकदम मस्ती से देखा सभी लोगों ने सबको पता चला अहमियत पता चली. तो मैं लोगों से ये कहूंगा कि परिवार आपके लिए सबसे पहले है उसके बाद तो सभी होते हैं. तो पूरे परिवार के साथ में आइएगा हमारा प्रोग्राम देखने के लिए. मस्ती धमाल एकदम ये शाम आप यादगार रखेंगे और ऐसी यादगार होंगी आप सोचेंगे यार क्या हो गया. अभी ट्रेलर तो आपने अभी दे दिया है. एक ट्रेलर ऐसा भी है जैसे हम लोग जिस तरह से हम लोग सारे फ्रेम में बैठे हुए जी सब हम लोग फ्री में बैठे थे ना एक दो तीन आप न्यूज में हैं जी एक दो तीन. अब ये देखकर आपको क्या है ये क्या याद आ रहा है कौन सा डिबेट में कौन सा याद आ रहा है याद आ रहा है संबित पात्रा. ओके ओके. उनकी मिमिक्री करता हूँ मैं. वो जब भी जब कोई बोलता है तो पहले उनको पूरा सुनते उसके बाद में सुनिए काजल जी आप नहीं बोलेगी मैं आपके बीच में नहीं कहा नहीं नहीं सुनिए काजल जी देखिए आप नहीं बोलेगी उसमें आपके बीच में नहीं कहा आप क्यों बोल रही है ये सब गलत है. देखिए ये आपकी सरकार की बात है ये हमारी सरकार की नहीं है सुनिए. ये बैठे बैठे घर पे भी बहुत सारे ब्रिलियंट सर ऐसे लोगों की वॉइस भी सीखी जो मोस्टली टीवी होता था टीवी जी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की वॉइस सीखी मैंने मोदी जी मोदी जी को करता योगी जी की भी कर लेता हूँ. तो ये सब सरप्राइज है ये उस दिन के लिए रखूंगा मैं. अरे बच्चे की जान लोगे राठौर इंस्पेक्टर राठौर काजल जी समझाइए आप. तो मैं
मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी सारा अभी नहीं, अभी कुछ लोगों को सही होने दो क्योंकि हम आ रहे हैं। और कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो हाल ही में मेरा मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में वर्ल्ड फास्टेस्ट मिमिक आर्टिस्ट में मेरा नाम दर्ज हुआ है और गिनीज के में। कांग्रेचुलेशंस सर, थैंक यू सो मच। तो अभी गिनीज के लिए ट्राई कर रहा हूँ, इसी आइटम को और स्पीड करेंगे, ये आगरा में पहली बार देखेंगे, लोगों के बीच करेंगे। तो हम लोग बेताब है वो देखने के लिए, और पक्का जो हमारे जो दर्शक अभी देख रहे हैं वो जरूर उसमें ज्वाइन करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, और हम भी लाइव उसको जरूर दिखाने के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे। आप दोनों से अब थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि आपने ये तो बता दिया, ट्रेलर तो दिखा दिया कि क्या कुछ होने वाला है, पर अभी जिस तरीके से आप लोगों ने अभी जिक्र किया कि जो पिछले 2 साल थे बड़े टेंशन भरे थे, तो अभी जो आने वाला साल है, तो ये जो आने वाला साल है 2022, तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आप दोनों की आने वाले साल से? वीआईपी सर। इस बार जेंट्स फर्स्ट कर दिया हमने। नहीं नहीं ऐसा नहीं है क्या, बिल्कुल हम तो इतने खुश रहते हैं कि बस हमको काम कर दीजिए। हम लोग कलाकार काम के मुख्य होते हैं, हमको जब तक हमारे सामने कैमरा नहीं आता है, जब तक हम ये यकीन मानिए घर में रहकर जो आर्टिस्ट का, और आर्टिस्ट मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि कलाकार ही एक ऐसी कौम है जिसको आप कहीं भी ले जाओ, इतने मासूम होते हैं कोई भी कलाकार, मैं नहीं बोला मैं जितने भी कलाकार हैं इतने मासूम होते हैं। अगर कोई बड़ी आपदा आती है तो आप कलाकार को ले जाओ, भाई फलानी जगह पे आपको हेल्प करनी है, कलाकार एक रुपया नहीं लेगा, हाजिर हो जाएगा, कहीं भी ले जाइए आप कलाकार को मिले। बट बड़ा दुख हुआ कि जब इतने कलाकार जिनको मैं जानता हूँ करीबी बहुत से कलाकारों के लिए कुछ नहीं है, मेरे मैं कई कलाकार सबके लिए करता है, एक किसी ने भी कुछ नहीं किया। अब मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिसने मतलब जो रोज कुआ होता रोज पानी पीता है, तो ऐसा कुछ करना चाहिए, सरकार को कदम उठाना चाहिए, सरकार में नहीं घुसते हैं बस एक मैं एक अच्छा सा एक एक सजेशन है कि कलाकार आ जाता है कभी भी बुलाएंगे कुछ भी, एक चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, इस फेस के जरिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी मैं नहीं बहरा बड़े बड़े कलाकार मतलब मैं अगर मेरे मुंह से कुछ अगर आपको कुछ लग रहा है मैंने कुछ गलत बोला तो आप सोचिएगा ऊपर कि मैंने गलत नहीं बोला है, सही बोला है, कलाकार के लिए ही बोला है, तो आप लोग प्लीज कलाकार के लिए कुछ कीजिएगा, और कलाकार तो आगे करने वाले धमाल। जी बिल्कुल काजल जी, 2022 हंगामा होने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल 2022 से बहुत उम्मीदें हैं, सिर्फ मुझे नहीं आई थिंक सारी दुनिया को, सारे भारतवर्ष को, कि जो पाबंदियां जो कोविड है से हम हरा पाए, सारा भारत और सारा विश्व हेल्दी हो, और जिन काफी लोगों ने अपने क्लोज वंस को खोया है, तो आने वाला साल सबके लिए हेल्दी हो, और एज एन आर्टिस्ट हमको बहुत सारा अच्छा काम करने मिले, एज एन आर्टिस्ट हम अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंच पाए, दैट इज द एक्सपेक्टेशन, वो उम्मीद है, वो सोच है, और हमें जो प्रिकॉशन लेना है हमें वो लेना ही है, चाहे हम परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे हम ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे हम कहीं भी हैं, हमें जो प्रिकॉशन लेना है वो हमें लेना है, पर हमारी सोच पॉजिटिव रखनी है, सोच सकारात्मक रखनी है कि जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा, अच्छा सोचिए सब और तरक्की कीजिए लाइफ में। दिस 2022 इज अनदर, भगवान ने हम अगर हम सब जिंदा हैं इस वक्त तो भगवान ने हमें और एक मौका दिया है, हम जीवित हैं, काफी लोग नहीं है पिछले साल और 2020 के कंपैरिजन में, तो हम अगर जीवित हैं तो कुछ अच्छा करें, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें, और अगर जिस पड़ोसी की भी अगर हेल्प हो सकती है तो उसकी हेल्प करें, दैट्स एक्सपेक्टेशन एंड होप्स फॉर 2022, और बहुत सारा प्यार हो आपस में, और आई थिंक सकारात्मक सोच हो उन सबकी कि अच्छा सोचें, अच्छा फील करें एंड बी पॉजिटिव, एंड मैं एज ए सिंगर एज ए म्यूजिशियन कोशिश करूंगी कि आप तक ऐसा म्यूजिक ले आ पाऊं जो आपके दिलों को सुकून दे, जो आपकी रूह को सुकून दे, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी, और
चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा म्यूजिक पहुंच पाए, और बस आप मुझे इस तरह प्यार करते रहिए और मैं अपना प्यार अपने म्यूजिक के थ्रू सबको बांटती रहूं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी ऑडियंस का प्यार हमेशा आपके साथ है, उनका साथ भी हमेशा आपके साथ है। और अब यूपी सिटी न्यूज के लिए आपकी तरफ से कुछ मैसेज। न्यूज जो है एक आप जाके देखते हैं जो चैनल है, बिल्कुल प्योर चैनल है, ये वही दिखाता है जो दिखता है और जो दिखता है वो दिखता है। तो जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है अपने अड़ोस पड़ोस में बता दीजिए ये चैनल आ चुका है यूपी सिटी न्यूज। माँ को बाप को दादा को सबको बनने का सब्सक्राइब करने का। थैंक यू। आई वुड से आई थिंक आप बहुत अच्छी एंकर है और आपसे बात करके बहुत कंफर्टेबली कोई भी आर्टिस्ट शायद अपना इंटरव्यू दे पाए या बात कर पाए। सो थैंक यू फर्स्ट बामा जी एंड यूपी सिटी, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, इनवाइटिंग अस, आपने हमें निमंत्रित किया इस शो पर आने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कंटेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाते हैं आप, इसीलिए शायद आपकी इतनी रीच है। एंड शुक्रिया, बहुत सारा प्यार, आप भी बहुत ग्रो करें, आपका चैनल ग्रो करे और आप लोगों तक पहुंचे, और हमारा सारा प्यार आपके लिए। थैंक यू सो मच। अब तो सच में 2022 जो है अब तो हमारे लिए भी बहुत धमाकेदार होने वाला है, इतनी सारी गुड विशेस हमें मिल गई है वो भी एक साथ। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीआईपी सर कुछ कहना चाहते हैं, अभी कुछ कुछ आ रहा है। हाँ, नहीं, 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 आपके पूरे चैनल को, आपके दर्शकों को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। हमारे और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको भी नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आपके दर्शक अगर इस वक्त देख रहे हैं, अगर आप पढ़ सकती है कहाँ पर कुछ किसका कोई अगर मैसेज आया तो उसका अगर कुछ आंसर देना है तो आप बोल सकती है, कोई फरमाइश है आपके दर्शकों की? मैं अपने दर्शकों की तरफ से मैं एक फरमाइश रखती हूँ। ऐसा सुना है मैंने आपके बारे में कि आपको बहुत सारे एक्टर्स की मिमिक्री कर सकते हैं, कुछ तो हमने ट्रेलर देख ही लिया, और बहुत मतलब आप विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप अपने वो चेंज कर लेते हैं टोन्स, तो आपके कोई फेवरेट, आपके कोई फेवरेट 5 ऐसे स्टार्स जिनकी मिमिक्री आप अभी करके दिखाना चाहे, मतलब हमारे ऑडियंस के लिए। बिल्कुल, मैं 5 एकड़ की वॉइस में आपको नए साल की शुभकामनाएं दूंगा जी। फास्ट फास्ट मेरी तरफ से आप सभी को नया साल मुबारक। मेरी तरफ से भी आप सबको नया साल, माँ को बाप को सबको मनाकर हैप्पी न्यू ईयर। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को नया साल मुबारक। अरे मैं कहना चाहता हूँ आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, समझे आमर हो दार में हर बार हो। थैंक यू सो मच, छंप गया छंप गया, देखते रहो यूपी सिटी न्यूज़ भैया। सारा बॉलीवुड इधर आ गया। बिल्कुल। ये थोड़ा सा शॉर्टकट अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर 31st आएगा आगरा में। ट्रेलर ही टीजर। काजल जी, आपकी मधुर आवाज में, आपकी मधुर आवाज में 2 लाइन। ओके, मेरा नया गाना रिलीज हुआ है, बहुत ही प्यारा गाना है, एकदम सिंपल, सिंप्लिसिटी इज द थीम ऑफ दैट सॉन्ग। ओके, तू भूल न जाए मुझको, तुझ में जीना चाहती हूँ, जाऊं दूर मैं जितना तेरे पास आ जाती हूँ, बाहों में बस तुम ही हो, इन लबों पे लब रखे हो, सांसों में सांसें भी बस तेरी, ओ मेरे साथी मेरे साथी दे है, ओ मेरे साथी मेरे साथी दे है, तन्हा था सफर आया तू नजर, तू शामिल हो गया मेरी दुनिया में,
मेरे साथ ही मेरे साथ ही रहे। थैंक यू सो मच। आज तो शाम बन गई, मतलब 31 दिसंबर का ट्रेलर, क्या ट्रेलर, ये मेगा ट्रेलर है जो हमने अभी देखा है। थैंक यू। अपना टाइम देने के लिए, अपने ये विचार शेयर करने के लिए, और ये जो टैलेंट है, इस टैलेंट से हमको फिर से गुदगुदाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हेलो जिंदगी में आज इतना ही। समय की सीमा हमारे पास रहती है तो अभी आपसे विदा लेनी होगी, लेकिन ये मुलाकातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। हेलो जिंदगी पर यूपी सिटी न्यूज के साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, ये जो 31 दिसंबर को इवेंट होने वाला है, इस पे जरूर आइएगा, जरूर जुड़िएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। 31 दिसंबर को आगरा में मैं आ रहा हूँ। आगरा वासियों, हम आपके खूबसूरत शहर में आ रहे हैं आपके साथ 31st मनाने। और मैं आ रही हूँ आगरा आपके शहर में। और मैं आ रही हूँ आपके शहर आगरा में आपके साथ न्यू ईयर मनाने। एंड मैं आपका डीजे श्री आ रहा हूँ लाइट अप द स्टेज। 31 दिसंबर को तो आगरा में मैं आ रहा हूँ। माय नेम इज सपना ओसवाल। मैं हूँ काजल वशिष्ठ। और वाह वाह, ये तुम दोनों अकेले मत जाना, मेरे को भी लेकर चलना बाबा। मैं हूँ महेश ठाकुर। इन सबको तो VIP लेकर आ रहा है। इस साल का सबसे बड़ा इवेंट न्यू ईयर शो, ये इवेंट हो रहा है ग्रैंड इम्पीरियल होटल में जो MG रोड पर है। सो कम विद योर फैमिली, कम विद योर फ्रेंड्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? 31 दिसंबर यानी 31st नाइट धमाल मस्ती होगी, मिलते हैं ग्रैंड इम्पीरियल होटल में। तो प्लीज भूलिएगा मत 31st की शाम हमारे साथ। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर पाने के लिए डाउनलोड करें यूपी सिटी न्यूज के एप्लीकेशन को, अब प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध।